महाराष्ट्र में आज रात तक हट जाएगा सरकार से सस्पेंस, एनसीपी को रात 8:30 बजे तक पेश करना है दावा। एनसीपी को कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार, अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने नहीं दी हरी झंडी। एनसीपी नेता अजित पवार का बयान, आज रात तक सरकार बनाने का दावा पेश करना मुश्किल, कांग्रेस पर फोड़ा देर करने का ठीकरा। शिवसेना के नेता मनोहर जोशी ने किया साफ, शिवसेना की बनेगी सरकार। सूत्रों की खबर, कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस नेता दिल्ली से जयपुर रवाना। अस्पताल में भर्ती संजय राउत से मिले शरद पवार, कांग्रेस एनसीपी की आज होने वाली बैठक पर कहा मुझे पता नहीं। कल शिवसेना पेश नहीं कर पाई सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल ने एनसीपी को दी है आज रात तक की मोहलत। ताजा हालात पर बीजेपी की भी नजर, आज शाम फिर कोर कमेटी की बैठक। असद ओवैसी ने किया साफ, महाराष्ट्र में AIMIM के 2 विधायक शिवसेना एनसीपी के गठजोड़ को नहीं देंगे समर्थन। शिवसेना को सरकार बनाने की उम्मीद, संजय राउत का ट्वीट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पंजाब में खालिस्तानी आतंकी साजिश का खुलासा, महिला नर्स समेत 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। लुधियाना में नर्स, होशियारपुर में ड्राइवर गिरफ्तार, कुछ हिंदू नेता थे टारगेट, विदेशों से मिल रहा था फंड। हैदराबाद में ट्रेन एक्सीडेंट का CCTV फुटेज आया सामने, आमने सामने से टकराती दिखी दोनों ट्रेनें, कल हुआ था हादसा। दिल्ली में प्रदूषण फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा, AQI ज्यादातर इलाकों में 500 के पार। नोएडा में भी प्रदूषण काफी बढ़ा, हवा की क्वालिटी का स्तर 700 के पार, गुरुग्राम में भी दिखी स्मॉग की चादर, प्रदूषण में भारी इजाफा। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। अल्मोड़ा में मेले के दौरान मौत के कुएं में हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार, लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर, कानपुर देहात के विधायक विनोद कटियार समेत 3 लोग घायल। सिलीगुड़ी में पुलिस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस से 2 लोग किए गिरफ्तार, $1,38,000 बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, 1 शख्स घायल। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी बीजेपी को लगा झटका, विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल आजसू और LJP ने दिए गठबंधन तोड़ने के संकेत। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 5 चरण में होगा विधानसभा चुनाव, पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट का हक, 7 विधानसभा क्षेत्रों में बतौर प्रयोग लागू किया जाएगा। आज 2 दिन के दौरे पर ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी, ब्रसीलिया में हो रहे 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छठी बार ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, आर्थिक विकास के मुद्दे पर हो रही है बैठक। अयोध्या में हनुमान गढ़ी के महंत की मांग, बोले जब तक भव्य मंदिर नहीं बन रहा तब तक अस्थायी मंदिर हो तैयार। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार कर रही है भूमि की तलाश, राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर की दूर सरयू तट पर बसे शाहिनवान गांव में मस्जिद के लिए मुहैया करा जा सकती है जगह। मुस्लिम बाहुल शाहिनवान गांव में ही मीर बाकी की है मजार, मीर बाकी नहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद का कराया था निर्माण। अयोध्या फैसले पर बयान देने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, भड़काने का आरोप। मेरठ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, गद्दारी की बातें ना करें ओवैसी, कानून करेगा अपना काम। साक्षी महाराज ने मोदी सरकार की अगली रणनीति का किया खुलासा, बोले अगला टारगेट हम 2 हमारे 2 का। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने TMC पर किया वार, कहा राम जन्मभूमि को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों है खामोश। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, सरयू में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, 5,00,000 भक्तों के स्नान का अनुमान। हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पौड़ी पर गंगा स्नान। बिहार के नवादा में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हादसा, तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों समेत 3 की मौत। सिख समुदाय आज धूमधाम से मना रहे गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में उमड़ी भीड़। दिल्ली में सड़कों पर भी प्रकाश पर्व का उत्सव, नगर कीर्तन की धूम। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रकाश पर्व पर टिका माथा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी प्रकाश पर्व का जश्न, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। पीएम मोदी ने दी 550वें प्रकाश पर्व की बधाई, ट्वीट करके लिखा गुरु नानक देव जी के सपने को पूरा करने का लें संकल्प।
पहलगाम में बर्फबारी, सैलानियों ने की जमकर मौज मस्ती। रोहतांग दर्रे में साफ किया जा रहा रास्ता, मनाली लेह रोड से हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी और बढ़ती ठंड के साथ शिमला में सजा तिब्बती बाजार, गर्म कपड़ों की बड़ी खरीदारी। ओडिशा में सीएम ने की सूरज के नाम पर सालाना पुरस्कार की घोषणा, सूरज ने ब्रेनडेड बेटे के 6 अंगों को दान कर पेश की थी नजीर। विशाखापट्टनम में कमल का फूल तोड़ रहे 2 श्रद्धालु डूबे, अभी तक लापता।